नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा के 20 बड़ी खबरें। जीतने के लिए नए चेहरों पर दांव खेलेगी भाजपा, सीएम ने कहा, जो भी लड़ेगा कार्यकर्ता ही होगा। फरीदाबाद का आज का तापमान अभी 19 डिग्री सेल्सियस है। फरीदाबाद का कल का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था। फरीदाबाद में आज 10 मार्च 2019 को पेट्रोल की कीमत 72.57 रुपए। पिस्तौल दिखाकर दुकानदार से 25,000 छीन ले गए बदमाश। ज्वाइनिंग लेने वालों की आंसर शीट में भी वही गड़बड़ियां, जिनके वजह से 22 को नौकरी नहीं मिली। कुल्ताना में प्लॉट पर अवैध दीवार बनाने से रोका तो किया हमला। अंडरपास या फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर हसनगढ़ में धरना शुरू। नारे में नहीं, हमारे विचारों में दोष, कहा कृष्णानंद ने। ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का एमडीयू में आगाज। अंडरपास निर्माण की मांग पर धरने पर डटे रहे ग्रामीण, बोले सर्विस लेन से नहीं होगा फायदा। वैदिक मंत्रों के बीच सेक्टर 2 के देवभूमि मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। 2 आर्य विद्वानों ने गृहस्थ जीवन छोड़ ली संन्यास की दीक्षा। शहर के रेड लाइट पॉइंट पर बनेगी जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लैक स्पॉट तय कर कम करेंगे हादसों का आंकड़ा। अनिल जैन बोले, भाजपा को किसी समझौते की जरूरत नहीं, लेकिन खुली है संभावनाएं। अब रीडिंग लेने के तुरंत बाद हाथों हाथ मिलेगी बिजली बिल, मोबाइल पर भी मिलेगी जानकारी। चुनावी मौसम में कर्मचारी संगठनों ने बदली रणनीति, जुटाएंगे जन समर्थन। पिता की पीरा ने बनाया बाल विज्ञानी और सौर स्प्रेयर और दबा से लहलहा उठी खेती। पहलवान योगेश्वर दस सोनीपत सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। प्रेमी के साथ मिलने में रोना बन रही थी सास, बहू ने प्रेमी साथ मिल उठाया खौफनाक कदम। हरियाणा में आयातित नेताओं की पहली पसंद बनी भाजपा, दूसरे दलों के नेता जुगाड़ में जुटे। हरियाणा के 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।